अच्छा हो जाता है, तो बस ये है देसी जुगाड़ मसाला बनाने का। इसमें पता है सब लोग सब कुछ पिस जाते हैं। फिश मीन्स मछली, तो ये मावना तो बहुत अच्छे होते हैं, खुद से लगाओ तो अच्छे नहीं होते हैं, तो इससे धान आता है धान। और हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आई थी आपके लिए आज नया ब्लॉग लेके, तो मैं आई हूँ आज अपने मायके। तो मम्मी ने लगा रखी है थोड़ी बहुत यहाँ पे सब्जी, तो मैं आपको दिखाऊंगी आज कि मायके में मम्मी ने क्या क्या लगा रखा है। आप देख रहे हो मक्के कितने अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे मक्के हैं। थोड़े दिन बाद ये बड़े हो जाएंगे तो आएंगे खाने। और दिखाती हूँ कि यहाँ के दिखाऊँ भाई, एक ख़तरनाक टमाटर देखो भाई मम्मा ने जो लगाए हैं। बस पता है एक ही पेड़ है और टमाटर देख रहे हो कितने हैं। ये बहुत है मम्मी की घर की सब्जी। मम्मी अकेली हैं मेरी घर पे, पापा हैं, भैया भी घर पे नहीं है, मेरठ में हैं दीदी के साथ। तो मम्मी और पापा ही रहते हैं घर पे, दो ही लोग। तो मम्मी की अकेली रहती हैं, तो मम्मी ने सब्जी ला, देख रहे हैं आप टमाटर कितने सुंदर। और भाई देख रहे हो मेथी, भैया बाहर रहते हैं तो ख़रीदना पड़ता है, मम्मी ने घर पे ही मेथी ला रखी है। ये सारी मेथी है, सुखा उसका सब्जी भी खा लो और सुखा के भी रख लो, सब्जी वब्जी भी डालने के लिए हो जाता है। और इसके अंदर भी पता है बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं, बहुत अच्छे बैंगन होते हैं। गांव में रहने का यही तो फ़ायदा है, घर में सब्जी उगाओ खाओ फ्रेश सब्जी बिल्कुल। प्याज यार अच्छे अच्छे प्याज हो गए हैं, ये देख रहे हैं बाकी में। ये लगी है लाइन से मूली, तो जो मैं आज मैं मूली लेके जा रही हूँ अपने ससुराल के लिए घर पे खाने के लिए, तो मूली भी लगा रखी है। एक पेड़ है छोटा सा एक पेड़ है वो मिर्च का, मिर्च देखो भाई औकात से ज़्यादा ही, क्या बोला तूने, इसमें मिर्च हो गई है। छोटा सा पेड़ है एक और इतनी सारी मिर्च है इसमें, बहुत यार गोल वाली मिर्च है, बहुत सुंदर देख रहे हैं आप, मज़ा आ गया ना देख के। ये बिल्कुल बहुत तीखी होती हैं सब्जी में डालने के लिए, तो मसाला है बिल्कुल। ये एक पेड़ है हाँ हाथ से चाहता ना, मज़ा आ गया भाई घर पे। मैं इसका इनके पेड़ लगा रखे हैं मम्मी ने, तो मैं घर के लिए भी लेके जाऊंगी फूल, इतने सुंदर ना। तो मम्मी ने फूल लगा रखे हैं पता है, इसका एक है यार, एक साल में ना एक ही बार ये फूलते हैं एक साल में है, बाकी में बहुत सुंदर देखो है, सुंदर है। यहाँ पे घर पे ही है खेती छोटी मोटी, ये एलोवेरा देखो कितने सुंदर। और छोटा सा फूल ये मम्मी पता नहीं कहीं से लेके आई थी, छोटा सा पेड़ तो ये तो फूल गए, तो ये देख रहे हो आप छोटा सा ये। और ये बड़ा सा देख रहे हो ये मनी प्लांट बोलते हैं इसे, जो घर के आगे आगे से ऐसे ले जा रखा है। तो मैं बता रही थी आपको मनी प्लांट से पैसे आते हैं हमारे में, ऐसा बोलते हैं। इसको चोरी करके लगाओ ना तो बहुत अच्छे होते हैं, खुद से लगाओ तो अच्छे नहीं होते हैं, तो इससे धन आता है धन। और इधर रहती हैं, उधर चाची का घर है, उधर दादी का घर है, तो आऊँगी। दादी आ रही है पीछे, इनके पैरों में पता है बहुत तकलीफ़ है, किसी को भाई इलाज पता हो दादी को, दादी की हड्डियों में नसों में बहुत दर्द रहता है, तो दादी थोड़ा चल नहीं पाती हैं। किसी को भी थोड़ा दवा पता हो इलाज पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में, तो दादी को वहाँ दिखा देंगे। ये बहुत परेशान रहती हैं, चलने में इनको बहुत होती है दिक्कत, तो प्लीज़ यार बताइएगा। तो अभी मैं फिलहाल जा रही हूँ घर, चाची चाची हमारी चाय बना रही हैं। अरे चाय नहीं बना रही, मसाला कूट रही, मैंने क्या पता चाय आए बना रही होंगी ना, तो चाची बना रही हैं फिलहाल। आज पता है चाची के यहाँ क्या बन रहा है, फिश मीन्स मछली, तो ये मछली बन रही है आज को ना, तभी चाची आज तैयारी में है उसे बनाने के लिए। चाची की फिर जुगाड़ वाली वो दिखाओ मसाला बनाने वाली मशीन, नहीं मैं दिखाऊंगी जी अभी दिखाई ना। आप तो अपने वहाँ मिक्सी में बनाते होंगे मसाला, और ये तो कूट यहाँ का देखो देसी जुगाड़, ये देख रहे हो इससे हम मसाला, हमारे यहाँ हम जब कुछ नहीं होता ना तो हम इसी से बना लेते हैं भैया, गांव में सब जुगाड़ी लोग रहते हैं, तो जुगाड़ इससे अच्छा। मैं आपको आपसे भी कहूँगी अगर आपके यहाँ मिक्सी नहीं हो या कुछ कूटने वाला, तो बस एक गिलास लीजिए, और ये तो चलो जुगाड़ वाला है, घर पर क्या होता है बेलन,
बेलन से बहुत अच्छा हो जाता है, तो बस यह देसी जुगाड़ मसाला बनाने का। इसमें पता है सब लोग सब कुछ पिस जाते हैं, तो बस बेलन लेना और इसके अंदर मसाला रखना गिलास में और बस चलते रहो, तो बहुत अच्छा मसाला बन जाता है। तो ये है गांव का देसी जुगाड़, कहीं पर ना मिले ना तो यही है, इसी से पीस लियो। ठीक है, तो चाची से हम आपकी बात कराते हैं। चाची फिलहाल हैं व्यस्त, रही कैमरा फेस अभी कभी करा नहीं है, कराएंगे मिलाएंगे। तो चाची का घर फिलहाल बना है अभी, तो उधर हैं। तो दादी का भी डेंटिंग पेंटिंग हुआ नहीं है, अभी करके बना है ये, तो वो अभी सब कुछ होना बाकी है। तो सामान फिलहाल सभी ऐसे ही फैला है, तो अभी चाचा अभी घर पे भी नहीं है, वो बाहर काम करते हैं, तो वो आएंगे तभी डेंटिंग पेंटिंग होगी। तो फिलहाल अभी बना है, तो अभी फिलहाल ज़्यादा ध्यान मत देना, सब सामान ऐसे ही है, ज़्यादा अभी कुछ हुआ नहीं है। तो यार हो गया बहुत, मिलाएंगे और लोगों से बाद में, कोई घर पे नहीं है, कोई कहीं गया है, तो अभी हम जा रहे हैं अपने ससुराल, बाद में कभी आएंगे फ्री हो के तो मिलवाएंगे। तो मिलते हैं अभी, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिसके लिए हम आपके लिए और अच्छे अच्छे ब्लॉग ला पाएँ। तो मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।